यह कहावत कहा जाता है ना, पानी में उतर के मगरमच्छ से बैर कीजिएगा तो मर के आइएगा। इसी बीच मेरा चचवा पहुंच गया रूस में। अब बताइए बेशर्मी की हद होती है कि रूस युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और ये जाके 10,000 करोड़ रुपया कर्जा मांग रहा था कि हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछाना है, बिछा दीजिए। रूस भगा दिया इसको। जैसे ये कहा कि हमको 10,000 करोड़ रुपया मदद चाहिए, उसी समय रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब बताइए कोई गधा भी विद्या, मतलब इतना बड़ा ये प्रधानमंत्री होके गलती किया जितना हमारा कोई विद्यार्थी गलती नहीं करेगा। रूस देखिए, इसका सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है पाकिस्तान का, वो यूरोपीय यूनियन से होता है या अमेरिका से होता है, इन देशों से होता है। इसे आर्थिक मदद में IMF देती है, वर्ल्ड बैंक देती है, जापान देता है, जो सब अमेरिका के फेवर में है। फिर भी अमेरिका के खिलाफ केवल जा रहा है मीटिंग करने के लिए। किस लिए? क्योंकि जो बाइडेन ने जब से शपथ लिया इसको फोन नहीं किया है, तो उनको जलाने के लिए गया था। अरे गधा कहीं का, ये सास बहू का झगड़ा हो रहा है क्या कि तुम जलाने के लिए गए थे? 10,000 करोड़ गए थे मांगने, अमेरिका ने इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया, 4,000 अरब डॉलर का पेनाल्टी ठोक दिया इनके ऊपर। बहुत अच्छा हुआ, एगो हाथ मिलाने गए थे, हो गया यहाँ पर कांड हो गया। और दूसरा FATF में अब ये ग्रे लिस्ट से चल जाएंगे ब्लैक लिस्ट में। जिस दिन ब्लैक लिस्ट में चल जाएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे वहां पे। आज भी पाकिस्तान में 12,000 रुपया का गैस सिलेंडर पड़ रहा है। अब 12,000 रुपये में गैस सिलेंडर पड़ रहा है, जिस दिन ये FATF के ब्लैक लिस्ट में जाएंगे ना, उस दिन ये 20,000 चल जाएगा। IMF पर अमेरिका का दबाव है, वर्ल्ड बैंक पे अमेरिका का दबाव है, अमेरिका घुसिया गया है ये मीटिंग देखकर कि चोट्टा तुमको इसी बीच में जाना था यहाँ पर। कौन गधा है रे तुम्हारे यहाँ सुरक्षा सलाहकार, ओकरा कोनो बुद्धि नहीं है क्या? इतना बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। इसने क्या किया है, सांड को लाल कपड़ा दिखाया है। मिला क्या है इसको कि रूस ने, राष्ट्रपति ने कहा था कि जो हमारे पास आएंगे उनको कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। दुनिया का सबसे महंगा टेस्ट इन्हीं का हुआ है। गए हैं RT-PCR टेस्ट कराए हैं, हाथ मिलाए हैं, मिला कुछ नहीं है, उल्टे 4 अरब रुपया का इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया है। यानी RT-PCR का रेट इनका 4,000 करोड़ 4 अरब डॉलर बन गया। अरे यार तुम्हारे देश की जनता सुन रही, तुम्हारे यहाँ कोई बढ़िया बताने बताने वाला नहीं है क्या? टीचर उचर नहीं है तुम्हारे यहाँ? तो इसको 2-4 हाथ देने लायक है, चचवा बिगड़ गया है मेरा। अच्छा अब ये बताओ सेशन को लाइक कौन करेगा रे? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, सच्ची सच्ची बताओगे, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, चाइना ताइवान पे अटैक कर रहा है, तो लगे हाथ हम भी पाकिस्तान पे एक आधा बम फेंक देते हैं, बताओ? भले ही उनके पास में 165 है, भले ही उनके पास में 165 है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इतनी औकात नहीं हुई, हमारे पास 156 है, हमारे पास 156 है। वैसे अब तो ये बताते हैं उसके बाद, ये बोलते हैं कि उसके बाद हमने बनाए तो बना के हमने 160 कर लिए, ठीक है, अब इंडिया ने बना के 156 से 160 कर लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास कितने है? 165 है, कितने 165 है। अभी पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं हुई कि हमारे ऊपर गिरा दे। औकात चाहिए यार, औकात, व्हाट डू मीन, मींस औकात होनी चाहिए, अपने किसी के पास क्या है उससे क्या मतलब है, औकात होनी चाहिए इतनी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलो। वैसे पाकिस्तान के ऊपर बम फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इमरान खान ही काफी है, वो उसे बर्बाद करने के लिए। देखो ध्यान से सुनो, अभी इंडिया वाले अपन लोग चिल क्यों बैठे हैं, अपन लोग पता है इंडिया वाले चिल क्यों बैठे हैं, क्योंकि पूरी जनता को बर्बाद करने के लिए एक मूर्ख इंसान वहां पे बैठा हुआ है, तो कोई बम बम फेंकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कितने बच्चों को हंसी आई जब रशिया के ऊपर पाकिस्तान ने बैन लगाया, रशिया के ऊपर मतलब वही ट्रेड वाला सीन है, जैसे सब बैन लगा रहे थे रशिया के ऊपर, तो पाकिस्तान ने भी बैन लगाया, कितने बच्चों को इस बात पे हंसी आई, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। जैसे सपोज करो क्या कहते हैं, एक बंदा है, उसको मारने के लिए सारे खड़े हुए, तो एक बहुत पतला सा ऐसे करके बंदा आता है, कहता है मैं भी एक थप्पड़ मार दूंगा। मतलब यार हद है यार, पाकिस्तान बैन लगा रहा है, मतलब अगर पाकिस्तान बैन लगा रहा है रशिया में, तो ये मान लेना कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है।